हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और सब्सक्राइब के बाद जो बेल बटन आता है उसे क्लिक भी ज़रूर करना। तो आइए आप शुरुआत करते हैं हम आज की रेसिपी की। तो आज मैं आपको बता रही हूँ बोम्बिल फ्राई। बहुत लोग इसे अलग अलग तरीक़ों से फ्राई करते हैं और मैं भी इसे अलग तरीके से ही फ्राई करती हूँ। कोई इसे बीच में कट लगा के कपड़े के नीचे रख के 10 मिनट या 15 मिनट के बाद में फ्राई करता है, लेकिन मैं क्या करती हूँ, इसे साफ़ करके 1.5 से 2 घंटे ऐसी जालीदार छन्नी में रखती हूँ जिससे इसका पानी निकल जाता है। और फिर देखिए, पानी निकल जाने के बाद ये अच्छे से फ्राई हो जाती है। तो हम इसे एक दूसरे बर्तन में ऐड करेंगे, फिर हम इसमें सारे मसाले लगाएंगे। मसालों में मैंने लिया है चावल का आटा, आप इसकी जगह पे सूजी भी ऐड कर सकते हो। 2 चम्मच चावल का आटा, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 चम्मच के करीब धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी यानी कि 1/2 चम्मच के करीब, और नमक स्वाद अनुसार। आप इसमें लेमन भी ऐड कर सकते हो। चालू तो कर। फिर ये देखिए, हमें इस तरीके से हाथों से इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। ये देखिए, मैंने मसाला मिक्स कर लिया है। आप इसमें कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं, और मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। अब इसे मैं डायरेक्ट तेल में ऐड कर देती हूँ इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से ये फ्राई हो चुकी है। आप इसमें कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हो। इसी तरीके से हम सारी फिश फ्राई कर। इस तरीके से मैंने सारी बोम्बिल मच्छी को फ्राई कर लिया है। आप भी कभी ऐसे ट्राई करना, ये झटपट बन जाता है। और इसे ज़्यादा मतलब कपड़े उपड़े में या बीच में से चीरा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। आप एक जालीदार किसी भी बर्तन में इसे 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, साफ़ करके धो के अच्छे से रख दीजिए। फिर उसके बाद में सारे मसाले ऐड करके आप तेल में फ्राई। लेकिन ये शर्त है कि तेल अच्छे से कड़क गर्म होना चाहिए, तभी आपकी बोम्बिल फिश मच्छी अच्छे से फ्राई हो जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।